इस वीडियो में आप देखेंगे HDFC बैंक में फर्स्ट टाइम इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। इसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया गया है। HDFC बैंक में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव करने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर पे आएंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे netbanking.hdfcbank.com। उसके बाद आपके सामने में इस तरह से इंटरफेस शो होगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। यानी HDFC बैंक में जब आप अकाउंट ओपन किए थे उस समय आपको वेलकम किट के साथ कस्टमर आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है, या फिर पासबुक में भी मिल जाएगा जो कि फ्रंट पेज में प्रिंट किया हुआ होता है। या तो फिर फॉरगेट कस्टमर आईडी पर क्लिक करके डिटेल्स वेरीफाई करके आप अपना कस्टमर आईडी फाइंड कर सकते हैं। कस्टमर आईडी डालकर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड आपको वेलकम किट में मिल जाएगा, या फिर यहाँ से फॉरगेट करके भी आप पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं। चलिए मेरे पास वेलकम किट है तो उसको देख के हम पासवर्ड अपना फिल कर लेते हैं। उसके बाद लॉगिन करेंगे। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर अपना ओल्ड पासवर्ड डालेंगे और यहाँ से नया पासवर्ड चूज़ करेंगे। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कम से कम 8 करेक्टर होना चाहिए। इसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर, डिजिट्स, स्पेशल करेक्टर सब होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, पासवर्ड आपका चेंज हो गया है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर से कस्टमर आईडी डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी जो पासवर्ड सेट किए हैं उसी पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके सामने में इस तरह का पेज शो होगा। इसमें आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह शो होगा। उसके बाद यस पर टिक करेंगे और कन्फर्म करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC बैंक में हम लॉगिन हो चुके हैं। आप यहीं से अपना बैलेंस देख सकते हैं, लेकिन अभी हम फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके लिए थर्ड पार्टी रजिस्टर करना होगा। यानी कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए आपको थर्ड पार्टी रजिस्टर करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर हम फंड ट्रांसफर पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ थर्ड पार्टी रजिस्टर करने के लिए बोला जा रहा है। उसके लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कन्फर्म करेंगे। उसके बाद आपके सामने में इस तरह से आपका डेबिट कार्ड का नंबर आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना ATM पिन डालेंगे। ATM पिन भी आपको वेलकम किट में ही मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से ATM कार्ड का एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ फिर से रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी एक्सेस के लिए मोबाइल नंबर पर टिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उसको यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ फिर से कंटिन्यू करेंगे। थर्ड पार्टी रजिस्टर करने के लिए एक इमेज सेलेक्ट करना होगा। यानी वेबसाइट में जब भी आप नेट बैंकिंग के लिए कस्टमर आईडी डालकर लॉगिन करेंगे तो उस समय आपको कंफर्म हो जाए कि ये मेरा ही अकाउंट है। और यहाँ से इमेज का कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू और यहाँ से एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद मैसेज में आप अपने हिसाब से कुछ भी एक मैसेज टाइप करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू सेकेंड स्टेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे और उसका आंसर देंगे। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, यानी कभी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी तरह से क्वेश्चन आंसर फिल करके आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और उसका आंसर देंगे। उसके बाद प्रोसीड टू थर्ड स्टेप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्मेशन आ जाएगा, एक बार अच्छे तरह से आप चेक कर लेंगे। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फाइनली थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहीं से आप फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करके फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपना स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने में मिनी स्टेटमेंट आ जाएगा, यहीं से आप अपना लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक पीरियड का स्टेटमेंट चाहिए तो उसके लिए सेलेक्ट अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना अकाउंट टाइप चूज़ करेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट पीरियड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे आप कब से कब का स्टेटमेंट चाहते हैं। जैसे हम 1 जनवरी 2023 से और 31 जनवरी 2023 तक देखना चाहते हैं। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद व्यू करेंगे। उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहीं से आप अपना स्टेटमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे टेक्स्ट, PDF, Excel। चलिए हम PDF में डाउनलोड करेंगे, उसके लिए PDF सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डाउनलोड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा PDF डाउनलोड हो चुका है। इसी तरह से अगर आप फंड ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो यहीं से आप अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सेम बैंक में ही ट्रांसफ़र करना है, जैसे HDFC टू HDFC,
तो उसके लिए ट्रांसफर विद इन द बैंक पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप IMPS से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए IMPS सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद NEFT के लिए NEFT सेलेक्ट करेंगे और RTGS के लिए RTGS। इसी तरह से और भी ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप बिल या रिचार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से करेंगे। इसी तरह से अगर आप कार्ड्स पर क्लिक करेंगे तो कार्ड से रिलेटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे यहीं से आप अपना ATM पिन जनरेट और चेंज कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आप डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हैं या जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टा पिन जनरेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इंस्टा पिन जनरेशन पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप अपना ATM पिन चूज करेंगे, जो भी आप अपना 4 डिजिट का पिन रखना चाहते हैं उसको डालेंगे, उसके बाद इसको रीएंटर करके दोबारा डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए, उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो होगा, यहाँ मोबाइल नंबर पर टिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया गया है, यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही सक्सेसफुली पिन चेंज हो गया है। इसी तरह से अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए डीमैट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसी तरह से अगर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ डिटेल्स चाहिए तो म्यूचुअल फंड पर जाएंगे, और अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ क्वारीज है इंश्योरेंस पर जाएंगे, और अगर आपको पर्सनल लोन कार लोन चाहिए तो यहाँ से उसको करेंगे, और यहाँ ऑफर पर क्लिक करके आप अपना ऑफर देख सकते हैं। उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करके आप अपना सारे डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, पैन नंबर देख सकते हैं। अगर आपको पैन नंबर चेंज या ऐड करना है तो उसके लिए एडिट पैन कार्ड नंबर पर क्लिक करेंगे, और यहीं से आप अपना पैन कार्ड ऐड या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अपना पैन नंबर कोड इंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे HDFC बैंक में इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव कैसे किया जाता है। अगर अभी कोई डाउट है HDFC बैंक में इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आई होप दिस लाइक वीडियो। थैंक्स।